हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये बर्बीना है और ये कटिंग से मैंने लगाई थी। पहले मैंने सीड ग्रो किए थे तो उससे जर्मिनेट हो गई थी, फिर उसमें से फ्लावरिंग हुई तो एक ब्रांच निकाल के बस ये वाली ब्रांच निकाली थी। ये देखिए इतनी बड़ी ब्रांच थी, इतनी बड़ी ब्रांच, उसी में से ये दो ब्रांचें अलग से निकली हैं। तो ये अच्छे से चल गई हैं, आराम से चल रही हैं, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। देखिए कितनी अच्छी से बड्स आई हुई हैं, इस पर तो खिल भी गए हैं। तो मैं पहले भी कई बार लगा चुकी पर वीडियो नहीं बनाया था, पर ये देखिए कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाती है, इजीली चल जाती है। और विंटर के लिए हम लोग मिट्टी कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा परलाइट भी डाला है इसकी, क्योंकि विंटर के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है एक्चुअली ये पुरानी मिट्टी है मेरी, इसमें पड़ी हुई थी। इसमें मैंने कलांचो लगाए थे तो कलांचो तो मेरे सेल हो गए। और ये मिट्टी मैंने ड्राई कर ली अच्छे से, ये गोबर की खाद, थोड़ी सी बर्मी कंपोस्ट मिलाई है मैंने। तो ये देखिए कितनी सारी इसमें परलाइट वगैरह मिक्स है, तो इसे मिक्स करके हम गोबर की खाद और ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए धान की भूसी भी थोड़ी सी मिलाएंगे। और इस तरह से हम इसमें मैं लगाऊंगी, चारों एक में ही लगा दूंगी, क्योंकि छोटे छोटे से तो प्लांट हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं। और कुछ इसमें भी फिल कर ले रही हूँ मैं, विंटर जो प्लांट होते हैं उनके लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बारिश सर्दियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, पानी भी कम ही लगाना चाहिए। तो ये सारी मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ, कुछ उसमें भर दूँगी। तो इस तरह से हम तैयार कर लेंगे अपने फ्लावरिंग प्लांट के लिए, क्योंकि विंटर के लिए खाद भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इन्हें 3 महीने के अंदर ही सारा काम करना होता है, अपना सीड भी बनाने हैं, हम मुझे तो सीड भी चाहिए ही होते हैं। इस तरह से हम इसकी तैयार करेंगे, खाद अच्छी देंगे और बाद में हम फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, चाहे सरसों की खली का डालें, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालें। केमिकल भी आप इसमें लिक्विड बना के डालिएगा, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ एकदम से बूस्ट करे, और लिमिटेड ही डालिएगा उसे। तो इसमें हम लगाएंगे इसे, तो इसे पहले तो निकाल लें। और इसमें मैंने कटिंग भी लगाई है, तो धान की भूसी मैंने इसमें काफ़ी मिलाई थी। देखिए ये कितनी धान की भूसी है, देख रहे हैं आप, ये मैं इसमें करके देखती हूँ। ये देखिए धान की भूसी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी तो मैंने कम डाली है, धान की भूसी और गोबर की खाद ही डाली है इसमें, ठीक है। तो कटिंग के लिए सबसे अच्छा ये सोयल मीडिया होता है, जिसमें कि आप अच्छे से, मैंने एक्चुअली मैं जब मैंने शुरुआत की थी गार्डनिंग की, तब मैं ये पर्पल वाला लेके आई थी, वो दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है दूर से, तो वो केवल धान की भूसी में लगा हुआ था। क्योंकि जब हमने उसे लिया, उठा के मैं लेके चली, तो मैं कह भी रही थी ये तो बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, इसमें कुछ है ही नहीं वेट। घर पे आके देखा तो वो धान की भूसी, टोटल धान की भूसी में लगा हुआ था। तब से मैं कटिंग लगाती हूँ तो बहुत कम क्वांटिटी मिट्टी लगाती हूँ, और ढेर सारी धान की भूसी और कंपोस्ट मिला देती हूँ, उसमें कटिंग लगाती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा स्पेस हम ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है तो इसे हम सेंटर में लगाएंगे, और ये छोटे छोटे प्लांट जो है वो हम बीच में लगा, इधर उधर साइड से लगा देंगे। देखिए इसमें ये रूट बन गई है ना, ये देख रहे हैं, तो अभी है तो छोटी पर हाँ रूट बन गई है। तो इस तरह से हम इसे कवर अप भी कर देंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी रूट बनी है, इसमें रूट अच्छी बन गई है, ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। और इसे भी हम निकाल लेंगे इस तरह से, और इसमें भी देखिए ये रूट बनी हुई है, ये देखिए ये 15 दिन में रूट आई है इतनी। इस तरह से होल करेंगे और इसे भी ऐसे करके इसी से दबा देंगे, इसी की जो मिट्टी है, देखिए इसमें परलाइट वगैरह मिक्स था, क्योंकि मेरी पुरानी मिट्टी तैयार होती है ना, तो मैं उसी में लगा देती हूँ उसे, फिर दूसरी मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तुरंत की तुरंत तैयार करो तो थोड़ा सा धान की भूसी भी थोड़ी सी अजीब सी होती है उस समय, तो इसलिए मैं तुरंत के तुरंत ही तैयार नहीं करती हूँ। मैं कुछ दिन की रखी हुई, तैयार की हुई मिट्टी ही यूज़ करती हूँ। धान की भूसी भी डिकम्पोज हल्की फुल्की हो जाती है, उसके बाद में उसमें लगाती हूँ। ये इस तरह की मिट्टी थी, ये मेरी कैक्टस वाली मिट्टी, कैक्टस सॉइल जैसी टाइप की होती है ना, उस टाइप की थी। तो ये मैं ड्राई करके ये अभी यूज़ करूँगी। तो और अब हम इसमें पानी डालेंगे और लिक्विड फर्टिलाइज़र बीक में डालते रहेंगे, जैसे कि इतने ढेर सारे फूल खिलते हैं, देखिए कितना छोटा सा है, इतने ढेर सारे फूल खिलते हैं उसमें, काफ़ी ढेर सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र
चाहिए होता है इन्हें, तो मैं ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ विंटर में, बाकी अदर कोई और नहीं डालती हूँ, वही डालती हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो मैं लेके आई थी आपके लिए कि आप भी इसे विंटर के जितने भी प्लांट हैं उन्हें कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। ये रूफ है कि ये मैंने कटिंग से लगाए हैं और आराम से चल भी जाते हैं, फ्लावरिंग भी होने लगी है देखिए, और रूट भी इसमें ज़्यादा रूट है, इनमें कम है। ये बाद में लगाई थी मैंने, ये पहले लगाई थी। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।